मकसद ना उजल होने पाए बिना रुके तू चल, कामयाबी तेरे कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। है एवरीवन, आई निकहत परवीन खान वेलकम यू टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और प्रीलिम्स के तूफान गुजर चुका है, प्रीलिम्स के सदमे से उबर कर आई होप आप सब ने पीएससी की राह पर आगे चलने के लिए अपनी कमर दोबारा कसली होगी। ठीक, तो आप में से जितने लोगों के प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो मेंस के लिए थोड़े स्ट्रेसफुल होंगे कि मेंस कैसे हम पढ़ें। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो कंपटीशन कम्युनिटी आपके लिए एक मेंस का क्रैश कोर्स लेकर आया है। इसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और दीगर वीडियो से मिल ही रही होगी। आप स्क्रीन पर फ्लैश जो चीज़ें हैं डिटेल्स उस पर भी देख सकते हैं कि क्रैश कोर्स जो हम 3 महीने के अंदर कवर करने वाले हैं उसमें सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को हम डील करेंगे, जिससे कि जिनके इस बार प्रीलिम्स निकलने की उम्मीद है और उन्हें मेंस के लिए आइडिया चाहिए तो उनको बेनिफिट हो सके। ये दोनों ही मोड में है, ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी है। और साथ ही साथ जो सिर्फ टेस्ट के जरिए अपने आप को परखना चाहते हैं, जो सिर्फ टेस्ट सीरीज मेंस की ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही लैंग्वेज में टेस्ट भी अवेलेबल हैं। ठीक, इन दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए, प्लानिंग्स के लिए जो भी और जानकारी आपको चाहिए उसके लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके नंबर्स फ्लैश्ड होंगे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग ऑल दी अदर डिटेल्स। फाइन, उसके अलावा इंटीग्रेटेड बैच, ऑफलाइन प्रीलिम्स बैच और लॉन्ग टर्म मेंस बैच भी कॉम्पिटिशन कम्युनिटी आपके लिए लेकर आया है। आप इससे जुड़ी जानकारी हमारे रायपुर के ऑफिस जो है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं और इन नंबर्स पर भी फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अभी YouTube चैनल पर एक जो सीरीज कल से स्टार्ट हुई है वो है हमारे क्रैश कोर्स, मेंस क्रैश कोर्स के डेमो वीडियोस की। हमने आपके लिए इस मेंस क्रैश कोर्स में जो पूरे वीडियो लेक्चर्स डिज़ाइन किए हैं उसका एक एक डेमो आपको इस YouTube में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है इट इज़ अंडरस्टूड कि डेमो वीडियो है, मतलब बाकी वीडियोस परचेस करने पर हमको कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की वेबसाइट पे और हमारा जो कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का एप्लीकेशन है उस पर अवेलेबल होगा। ठीक है, सो दीज आर द सीरीज ऑफ डेमो वीडियोज ओनली। कल छत्तीसगढ़ का अपलोड हुआ था और आज पॉलिटी का है, आगे सारे सब्जेक्ट्स का भी होगा। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं आप जानते ही हैं वो दोनों प्रीलिम्स के भी सब्जेक्ट हैं, प्रीलिम्स में उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया है। इसलिए मैंने मेंस क्रैश कोर्स में ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन एंड आंसर पैटर्न में इसे डील करूं। सारे टॉपिक्स के मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, उसमें हर क्वेश्चन में हर मार्क के हिसाब से किस तरह के आंसर्स लिखने हैं, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या कंटेंट आपको चाहिए। और अगर कहीं ऐसा चीज़ है जहाँ पे एक्स्ट्रा कंटेंट की ज़रूरत है जो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा तो वो भी मैं आपको अवेलेबल वीडियोस के माध्यम से कराऊंगी। ठीक, आज का जो डेमो वीडियो है इसमें मैंने आपको ये बेसिक ओरिएंटेशन कुछ भी नहीं बताया है, एक अलग से मेरी ओरिएंटेशन वीडियो रहेगी अगर आप वो कोर्स परचेस करते हैं उसमें, जिसमें मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन में किस तरह के आंसर लिखने, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसी होनी है, कीवर्ड्स को कैसे आप समझ पाएंगे उसके बारे में बताऊंगी। आज का ये डेमो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पर आधारित बीच से उठाया हुआ एक वीडियो है, ये ओरिएंटेशन वीडियो नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। ओरिएंटेशन वीडियो का मतलब ये है कि आंसर राइटिंग कैसी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, मार्किंग कैसी होती है, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं बताएगी, ये सिर्फ सब्जेक्ट डील करता है जो आज आप देखेंगे। बाकी अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो एक ओरिएंटेशन वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी से भी बताते जाऊंगी। ठीक, सो दैट इज इट। तो आगे मेरा वीडियो है, होप आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू द CGPSC मेंस क्रैश कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकहत परवीन खान और इंडियन पॉलिटी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को मेंस ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। कौन से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSPs। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व, ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट 3 लिस्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। प्रीलिम्स में इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब आज की क्लास में हम ये डील करेंगे कि इसमें मेंस के कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हम जानते ही हैं कि तीनों का जो मेन नेचर है वो सेम है, तीनों ही एक तरह से कर्तव्यों और अधिकारों की सूची है, जहाँ मौलिक अधिकार वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कंट्री की नागरिकों के प्रति होती है, तो वही मौलिक कर्तव्य नागरिकों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो देश के प्रति होती है, और नीति निदेशक तत्व जो होते हैं वो सरकारों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं देश के प्रति। तो कहीं ना कहीं ये एक लिस्ट है जो राइट्स और ड्यूटीज़ को इंडिकेट करती है, चाहे वो सरकारों यानी गवर्नमेंट की हो, चाहे नागरिकों की हो, चाहे देश की। ठीक है,
और हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से देखा जाए तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है और पार्ट 4 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। एक क्रम से ये तीनों बेसिक यानी मौलिक सूचियां सूचीबद्ध है हमारे संविधान में, क्रम से ये भाग उल्लेख है। ठीक, अब इनमें जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस होता है, ये तीनों ही जो टॉपिक हैं इंडिविजुअली, पहले तो आप जब हम इसके लिए मेंस की प्रैक्टिसिंग करना स्टार्ट करें तो पहले तो इसके सारे जो बेसिक फैक्ट्स हैं उससे थॉरो हो जाएं। मौलिक अधिकार जितने भी प्रकार के होते हैं, जितने भी अनुच्छेद इसके अंदर होते हैं, आप उनको सबसे पहले रिवाइज करें। वैसे ही जब आप मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं तो मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश से कब कहाँ कैसे शामिल हुआ, वो जो फैक्ट्स आते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पज से उसे आप रिवाइज करें। नीति निदेशक तत्वों को अगर आप पढ़ते हैं तो जितने प्रकार के नीति निदेशक तत्व हैं, जिसको हम मेनली 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, गांधीयन, सोशलिस्टिक एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, वो तीनों कैटेगरीज में जितने DPSPs हैं उनको आप एक बार रिवाइज करें। फाइन, तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और वो सारे फैक्ट्स को आप रिवाइज करें जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा। उसके बाद फिर अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन देखें तो तीनों में ही एक कॉमन न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो है फीचर्स, मतलब विशेषताएं, वो है इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, और वो है क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। ये तीन ऐसे टॉपिक्स थे जो आपने शायद प्रीलिम्स में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चंस नहीं आते। विशेषताओं से एक आध दो क्वेश्चंस बनते भी होंगे लेकिन आलोचनाओं से कोई ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न नहीं बनते, ना ही महत्व से कोई तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं। लेकिन जब आप इन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको तीनों ही के यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और DPSP के ही विशेषताओं का भी उल्लेख मिलेगा, महत्व का भी उल्लेख मिलेगा और आलोचनाओं का भी उल्लेख मिलेगा। तो मेंस का एक फेवरेट तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का कि मौलिक अधिकारों के महत्व को समझाएं, मौलिक कर्तव्यों के महत्व को समझाएं, या मौलिक अधिकारों की आलोचना कर कर निष्कर्ष निकालें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, या क्रिटिकली एनालाइज द DPSPs। फाइन, उसके अलावा राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह से 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और इवन 10 मार्क्स में अगर आप इन तीनों ही टॉपिक से कोई क्वेश्चन ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वे इनसे, या फिर अगर आप बड़े मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में कोई एक टाइप ऑफ राइट आपको दे देगा। जो 6 टाइप के राइट्स आपने पढ़े मौलिक अधिकारों में, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो 14 से 18 वाला जो राइट टू इक्वालिटी था वो है, और दूसरा अगर आप देखें तो 19 से 22, ये दो ऐसे टाइप ऑफ राइट हैं जिनमें इंडिविजुअली हर एक राइट एग्जाम के लिहाज से बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए पूरा एक कैटेगरी उठा करके आपको बड़े मार्क्स में दिया जा सकता है। जैसे बताइए, समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान संविधान में उल्लेखित हैं, तो समानता के अधिकार का उल्लेख 14 से 18 है तो आपको पॉइंट वाइज 14 से 18 पूरे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन कौन से प्रावधान उल्लेखित हैं, तो 19 से 22 आपको एक एक दो दो लाइन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जितने टाइप्स ऑफ राइट्स हैं, आप सबसे पहले तो हर टाइप्स ऑफ राइट्स में खासतौर पर पहला और दूसरा और एक जो 25 से 28 आप पढ़ते हैं रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इनके ऊपर आप एक 100 वर्ड्स का नोट बना करके रखें। और नोट्स का जो फॉर्मेट होगा वो वैसे ही होगा कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, कंक्लूजन देंगे कि ये अधिकार जो भी इसके अंतर्गत हम आगे विवेचना करने वाले हैं, उस डिस्कस करने वाले हैं, उसका मूल आधार क्या है, क्यों ये अधिकार संविधान ने नागरिकों को दिए हैं, और उसके बाद फिर एक एक करके पॉइंट वाइज आप आर्टिकल वाइज इन अधिकारों को समझाते जाइए और लास्ट में कंक्लूजन लिखते जाइए। तो जितने टाइप्स ऑफ राइट्स हैं उसमें उसके ऊपर आप बना लेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी में एज सच मैं ये नहीं मानती कि बड़े क्वेश्चंस में ये 3 के अलावा कुछ और पूछेगा, बाकी ज़्यादातर जो 2 मार्कर 4 मार्कर का क्वेश्चन है वो पूछे जाने के चांसेज हैं। अगर बड़े क्वेश्चन में पूछेगा तो फीचर्स, इंपॉर्टेंस और क्रिटिसिज्म बस। और बिल्कुल वही DPSP की भी बात कर लूँ तो DPSP में अगर 8 और 10 मार्क्स में कुछ पूछता है तो या तो ये 3 में से पूछेगा या तो फिर क्लासिफिकेशन पूछेगा। क्लासिफिकेशन मतलब नीति निदेशक तत्वों का जो वर्गीकरण है 3 हिस्सों में, समाजवादी, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, अब जो पढ़ा था, ठीक है, उदारवादी, ये जो 3 कैटेगरीज में आपने पढ़ी थी तो तीनों कैटेगरीज को पूछता है।
और अगर ऑब्जेक्टिव वे में भी दो मार्कर चार मार्कर की क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो उसमें इंडिविजुअली बताइए कोई भी दो DPSP लिखिए जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, कोई भी दो DPSP लिखिए जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल विचारधारा से प्रभावित है, कोई भी दो ऐसे लिखिए जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है, ऐसे दो या चार मार्क्स की भी ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं DPSP के। ठीक, तो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज गो थ्रू ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दीज थ्री लिस्ट्स, फाइंड वट एवर यू हैव स्टडीड इन प्रीलिम्स। उसके बाद जो नई चीज़ आप इसमें पढ़ते हैं वो फीचर्स, इंपॉर्टेंस, क्रिटिसिज्म है, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक, तो ऑन एंड ऑल इन सबको मिलाकर जो बेसिक तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तीनों ही टॉपिक के ऊपर। मैं आपको वन बाय वन तीनों को ही एक्सप्लेन करते जाऊँगी। सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चंस डिस्प्ले करूंगी एक एक करके दोनों लैंग्वेज में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई एक लैंग्वेज में क्वेश्चंस स्क्रॉल करके मैं उसको एक एक करके आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मौलिक अधिकारों से बनाए जा सकते हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। जो इंग्लिश वाले हैं वो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, फिर यही एग्जैक्टली मैंने हिंदी में स्लाइड बनाई है, हिंदी वाले उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फाइन, अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद अगर हिंदी के क्वेश्चंस देखें तो सेम हिंदी ट्रांसलेशन ये है, तो हिंदी वाले जितने हैं वो हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए तो अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद, जितने भी आपने 14 से 32 के बीच में लिस्ट पढ़ी थी मौलिक अधिकारों की, उसमें इंडिविजुअली कोई भी एक मौलिक अधिकार को दो मार्क्स या चार मार्क्स के लिए पूछ सकता है। और अगर मान लीजिए उसमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट होता है, जैसे कि आर्टिकल 19, जैसे कि आर्टिकल 21, तो उसे इवन 8 मार्क्स के लिए भी डिस्कस करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे मैंने जो लिखे हैं इनकी तरफ नज़र डालें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वाले मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 14, 19, 20, 21, 22। इस पे आप 30 वर्ड्स से लेकर के 100 वर्ड्स के नोट्स तैयार करके रखेंगे। ठीक, 14, 19, 20, 21 और 22। इसमें ख़ास तौर पर आर्टिकल 19, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, इसमें इवन अगर आपने मेरी प्रीलिम्स की क्लास अटेंड की होगी या खुद से पढ़ा होगा या कहीं और से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो प्रावधान मेंशनड हैं उसके अलावा कई सारी ऐसी व्याख्याएं हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने दी। अगर आप आर्टिकल 19 देखें तो 6 प्रकार में अपने आप में एक बड़ा कंटेंट बनता है, तो वो तो सबसे ज़्यादा चांसेस से पूछे जाने के। उसके अलावा आर्टिकल 19 कई बार सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया और उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कई व्याख्याएं उसकी दी, जैसे राइट टू मीडिया इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग इसी के अंदर आता है, राइट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इसी के अंदर आता है, फ्रीडम टू रिमेन साइलेंस ये भी इसी के अंदर आता है। तो हम जो 10-15 व्याख्या 19 की पढ़ते हैं उनको भी थोड़ा सा अगर आप इंट्रोड्यूस कर दें तो इससे एक 8 और 10 मार्कर क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आर्टिकल 21 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जीवन जीने का अधिकार है, आप जानते हैं बहुत सारे केसेस मैंने डिस्कस की थी, जैसे गोपालन केस या मेनका गांधी केस, इन सब केसेस के जरिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी भी बहुत सारी व्याख्याएं कि राइट टू लाइफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, और ये भी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। और इसमें भी कम से कम 20-25 ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप इसकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्याओं को बता सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 19 और 21 में ऐसी बात है कि जो चीज़ें हैं उसके अलावा जो डिस्कशंस उसके ऊपर हुए, जो डिबेट्स इन आर्टिकल्स के ऊपर हुए, जो केसेस इनसे रिलेटेड थे और जो इंटरप्रिटेशंस सुप्रीम कोर्ट ने दी, उनको मेंशन करके आपको एक नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है, लेख लिखने के लिए कहा जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। मतलब ये दोनों ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें 2 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आप 30 शब्दों से लेकर 100 शब्दों तक एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इन दोनों को तो आप बनाकर रखेंगे। बाकी 14
दो, चार या हद से हद आठ। मैंने आर्टिकल 14 को भी बहुत डिटेल में बताया था। आर्टिकल 14 में जो रूल ऑफ लॉ है उसको हमने समझा था, तो रूल ऑफ लॉ अलग से क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। वैसे भी रूल ऑफ लॉ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक है ही, और पॉलिटिकल साइंस में हम आर्टिकल 14 के संदर्भ में भी इसे पढ़ते ही हैं। तो इस वजह से रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के अंदर अलग से 2 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। रूल ऑफ लॉ के अलावा आर्टिकल 14 के जो 3 इंटरप्रिटेशंस मैंने बताई थी वो भी पूछे जा सकते हैं। तो आई कैन एक्सपेक्ट कि ये 8 मार्क्स तक के भी पूछा जा सकता है, अगर एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपने इतना डिटेल पढ़ा हो तो। ठीक, तो 19 और 21 के अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट है वो 14 है। बाकी अगर 20 और 22 देखें तो इसमें जो ओरिजिनल कंटेंट है कि किसी की गिरफ्तारी के वक्त उसके पास क्या अधिकार होता है, और किसी को जब किसी के ऊपर दोष सिद्धि की जाती है तो उसके पास क्या अधिकार होते हैं, तो उसमें जो 3-3 पॉइंट्स हैं, जैसे किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और उसे एक वकील रखने की छूट दी जाएगी, सरकार की तरफ से एक मुफ्त सरकारी वकील दिया जाएगा, है ना, ये 3 पॉइंट्स। वैसे ही अगर मान लीजिए किसी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, दोष सिद्ध किया जा रहा है, तो आर्टिकल 20 कहता है कि उसे दोहरी सज़ा नहीं हो सकती, ठीक है, नो डबल जियोपार्डी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब किसी पुराने कानून को तोड़ने के लिए उसे आज सज़ा नहीं हो सकती, ठीक, एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी स्वाभिशंसन नहीं, इसका मतलब उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 20 और 22 ये दोनों में ही 3-3 सब पॉइंट्स हैं जिसे आप प्रावधानों के तहत एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस आर्टिकल में एग्जैक्ट क्या दिया गया है उसको आप भले ही 1 या 2 लाइन में लिखें, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये 3 पॉइंट्स हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि ये 20 और 22 जो है ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने बताया, आप इन आर्टिकल्स के ऊपर इस हिसाब से नोट बनाकर रखिए, 19 और 22 पर सबसे ज़्यादा, फिर 14, फिर 20 और 22 के लिए 2 और 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोले, आपको मेंशन करने के लिए बोले, उल्लेखित करने के लिए बोले, समझाने बोले, इलस्ट्रेट बोले, डिस्क्राइब बोले, विवरण दो बोले, कोई भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल करता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रावधानों को बताना है उसकी व्याख्याओं के साथ, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा, रिट के प्रकार। कुल मिलाकर मैंने स्लैश से अलग किया है, इसका मतलब एक ही चीज़ पूछना चाह रहा है, वो तरीका कुछ भी हो सकता है। आपको डायरेक्टली आर्टिकल 32 पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा जिस आर्टिकल को कहा है उसके ऊपर एक विवरण लिखें, और ये भी पूछ सकता है कि वॉट इज रिटन, वॉट आर इट टाइप्स, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का जो तरीका संविधान ने मेंशन किया है वो रिट के जरिए किया है। मतलब रिट एक उपकरण है, रिट एक टूल है जिसके जरिए संवैधानिक उपचार किया जा सकता है। तो अगर आप आर्टिकल 32 समझाते हैं तो शुरू आर्टिकल 32 से करिए, और इंट्रोड्यूस कर दिए रिट को, और इसी को आप एक्सप्लेन करें। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली रिट के प्रकार हैं तो आप शुरू रिट से करें कि भाई रिट का मतलब शाब्दिक मतलब होता है ऑर्डर या कमांड या आदेश, और इसका उल्लेख आर्टिकल 32 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों से रिलेटेड है, और ऐसे ही रिट हाई कोर्ट 226 के तहत भी जारी करता है। तो जिस वर्ड को क्वेश्चन में मेंशन किया है आप उसको एक्सप्लेन करते हुए शुरू करिए और दूसरे से लिंक कर दीजिए। मतलब अगर आर्टिकल 32 है तो आप बताएं आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान लिखा गया है ताकि संविधान के तहत अगर कोई चीज़ नहीं घटती भारत में तो उसका उपचार हो सके, और इन उपचारों के उपकरण के रूप में रिट के प्रावधान डाले गए हैं, और रिट के जरिए आप संवैधानिक उपचार कर सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल को हम सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की आत्मा कहते हैं, और ये कथन बी आर अम्बेडकर का। आप ऐसे शुरू करें, और संविधान की आत्मा ये वर्ड दे देता है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, तो उनके कथन से स्टार्ट करेंगे, फिर आर्टिकल 32 मेंशन करेंगे, फिर आप रिट मेंशन करेंगे। और रिट से क्वेश्चन पूछता है कि रिट क्या है, रिट के प्रकार बताइए, तो रिट का शाब्दिक लैटिन वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश या कमांड या ऑर्डर, जो एक तरह का न्यायपालिका का आदेश होता है सामान्य प्रशासन या नागरिकों की तरफ, जिससे वो संवैधानिकता को भारत में बनाए रखती है। इसका सीधा संबंध आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है।
ठीक है। तो आप देख रहे होंगे मैं तीनों में समझा एक ही चीज रही हूँ, शब्दों का अलग इस्तेमाल है और अरेंजमेंट जो है आंसर का वो अलग है। ठीक है, जिस शब्द से क्वेश्चन पूछा है वहां से शुरू करते हुए आपको बाकी दूसरे से उसको लिंक करना है, क्लियर। और फिर अगर ये जो चीजें मैंने बोली ये ज्यादातर मैं 2 या 4 मार्क्स में एक्सपेक्ट करती हूँ अगर इतना ही लिखना हो, लेकिन अगर ये 8 और 10 मार्क्स में आता है तब तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने के बाद चाहे 32 बोल दे, चाहे ये बोल दे, चाहे रेड बोल दे, उसके बाद आपको वो पांचों तरह के रिट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा। एक नज़र हम डाल लेते हैं कौन से 5 तरह के रिट्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास रिट ऑर्डर जारी करने की शक्ति है, और ये वो 5 तरह के रिट्स हैं जो मेंशन है, हेबीस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस या परमादेश, प्रोहिबिशन या निषेध, सर्टियोरेरी या उत्प्रेषण, क्यो वारंटो या अधिकार पृच्छा। ठीक, अगर ये एक 4 मार्कर क्वेश्चन होता है तो आर्टिकल 32 और रिट के शब्द का मतलब समझाकर आप सिर्फ इन 5ों का नाम लिख दीजिए, वो काफ़ी होगा। लेकिन अगर ये 8 मार्कर क्वेश्चन होता है तो ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक एक लाइन में इनको भी एक्सप्लेन करना होगा, और अगर ये 10 मार्कर क्वेश्चन होता है तब इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी डालने होंगे और एक छोटा सा निष्कर्ष या कंक्लूजन भी लिखना होगा। कंक्लूजन उसी से संबंधित होगा जहाँ पे हम ये कहते हैं कि रिट का क्या महत्व है, निष्कर्ष जो है वो रिट के महत्व से संबंधित होगा कि इन 5ों के जरिए संविधान ने उपचार का बंदोबस्त कर रखा है तो भारत में संविधान की जो वैधता है उसको जस्टिफाई करते हैं रिट्स, ये इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि कुछ भी भारत में संविधान के खिलाफ ना हो, संविधान के विपरीत ना हो। तो जो भी इम्पोर्टेंस है रिट के प्रावधानों का आप उसे कंक्लूजन के रूप में डाल सकते हैं। अगर ये 100 वर्ड्स का आता है, मतलब अगर ये 125 वर्ड्स का आता है, मतलब 10 मार्क्स का, अगर ये 8 मार्क्स का आता है तो ज़रूरी नहीं है कंक्लूजन, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि रिट का क्या मतलब है, कहाँ मैंशनड है, कौन जारी करता है, टाइप्स लिख दीजिए और दो दो लाइन में टाइप्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। पर अगर 10 मार्क्स का तो छोटा सा कंक्लूजन भी इम्पोर्टेंस बताते हुए आपको लिखना, इम्पोर्टेंस बताते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये 2 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक ऐसे टोटल में क्वेश्चन बन सकते हैं, और स्पेसिफिकली 2 मार्क्स में कोई भी एक रिट आपको समझाने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, हेबीस कॉर्पस क्या है, मैंडेमस क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, सर्टियोरेरी क्या है, तो आप इंडिविजुअली 5ों रिट्स को जब 125 वर्ड का आंसर बना रहे हो तो इंटेंशनली आप ऐसा करेंगे कि 5ों रिट को 30-30 शब्दों में यानी 20 से 25 शब्दों में एक्सप्लेन करके रखेंगे ताकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए अगर डायरेक्टली तो आप वो 20-25 शब्दों में उन रिट को एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन अभी अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप देख रहे होंगे प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी से संबंधित था, पूछा था कि निषेध या प्रतिषेध और उत्प्रेषण इसकी तुलना करें। तो उस क्वेश्चन में आप इसके पूछे जाने का इंटेंशन तो समझ ही चुके होंगे, ये पूछा इसलिए गया है क्योंकि ये दोनों ही जो रिट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, दोनों ही जो रिट्स हैं ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को जारी करता है, ये दोनों ही दो मात्र ऐसे रिट हैं जो किसी न्यायिक इकाई के लिए ही यानी जुडिशियल बॉडी के लिए ही जारी होते हैं। बाकी अगर आप हेबीस कॉर्पस देखेंगे तो वो अरेस्टिंग अथॉरिटी के लिए जारी होता है, अगर आप परमादेश देखेंगे तो वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जारी होता है, और अगर क्यो वारंटो की बात करेंगे तो किसी ने भी यदि गलत तरीके से अपने पद को ग्रहण किया है तो उसके पद की वैधता को क्वेश्चन करने के लिए होता है। तो ये जो बाकी के रिट्स हो रहे हैं या तो वो किसी इकाई या नागरिकों के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन ये जो है ये स्पेसिफिकली ये दोनों रिट्स किसी न किसी लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी हो रहे हैं, तो एक उच्चतर कोर्ट एक निम्नतर कोर्ट के लिए ये रिट जारी कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों रिट मिलते जुलते हैं। तो कई बार इवन ये पूछा भी गया है 4 मार्क्स के लिए कि प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो हमने अगर आपने प्रीलिम्स की क्लास मेरी अटेंड की होगी तो उसमें पढ़ा ही है, और अगर खुद से भी पढ़ा होगा तो शायद इस पर आपका ध्यान गया ही होगा कि प्रोहिबिशन मतलब रोकना, प्रोहिबिशन रिट तब यूज़ किया जाता है जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई फैसला ले लेता है, तो फैसले को रोकने के लिए टू जस्ट स्टॉप द जजमेंट गिवन बाय दैट कोर्ट
प्रोहिबिशन का इस्तेमाल होता है। ठीक, और सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी एक लैटिन वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है द वन हु इज सर्टिफाइड, द वन हु इज सर्टिफाइड या द वन हु इज ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड मतलब वह जो अधिकृत हो, वह जो अधिकृत हो। ठीक, प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इंग्लिश का वर्ड है, पर सर्टियोरेरी लैटिन वर्ड है इसलिए आप वर्बल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ भी बताएंगे जब आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो कुल मिला के आपको शुरू ऐसा करना है, ये जनरली जैसे कि मैंने कहा ये चार मार्क्स में मैंने दिया है, चार मार्क्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ही एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए जारी करते हैं और दोनों ही तब जारी होते हैं जब लोअर कोर्ट ने अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के कोई फैसला लिया या कोई ऐसे केस को डील किया जो इसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आते हैं, मतलब इसके क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आते हैं। ठीक, तो कब जारी किया जाता है, किसके लिए जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, ये तीनों चीजें आप देख सकते हैं दोनों में सेम है, सिमिलर है, तो वहां से आप शुरू करें। ठीक है, तो ये दोनों रिट के प्रकार हैं जो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए जारी करता है तब जब लोअर कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर जाकर कोई फैसला लेता है। ये आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने सिमिलर पॉइंट्स भी बता दिए, तुलना करने बोला है तो सिमिलर पॉइंट्स से आपने शुरू करें। फर्क, फर्क ये है कि प्रोहिबिशन के जरिए उस फैसले को जो निम्नतर कोर्ट ने अपने जजमेंट एरिया से बाहर जाकर लिया है उसे रोकने की बात कही जाती है, यानी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहता है कि उस फैसले को रोक दो जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर लिया है। और उत्प्रेषण में कहा जाता है कि वो केस जिसे आप डील कर रहे हैं जो आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है उसे किसी ऐसे कोर्ट को ट्रांसफर कर दें जो अधिकृत है उस पर फैसला लेने का, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ ही है द वन हु इज सर्टिफाइड, यानी वह जो अधिकृत है, यानी केस को ऐसी इकाई को ट्रांसफर कर दो जो अधिकृत है उस पर फैसला लेने का, जजमेंट सुनाने का। ठीक, तो यहाँ पर केस को ट्रांसफर करने का ऑर्डर आता है जबकि प्रोहिबिशन पर जजमेंट को रोकने का ऑर्डर आता है, ये मेन फर्क है दोनों। ठीक है, तो ये मेन फर्क आप बताएंगे। दूसरा फर्क ये बताएंगे कि सर्टियोरेरी जो होता है ये तब जारी होता है जब फैसला हो चुका है, पोस्ट जजमेंट, पोस्ट जजमेंट, सॉरी सर्टियोरेरी नहीं प्रोहिबिशन, ये होता है पोस्ट जजमेंट। पोस्ट जजमेंट का मतलब ये कि मान लीजिए एक जिला न्यायालय है, जिला सिविल न्यायालय है, उसने मान लीजिए क्रिमिनल न्यायालय के कोई फैसले को सुना दिया या कोई ऐसा फैसला सुना दिया जो हाई कोर्ट के दायरे के अंदर आता है और फैसला हो गया, केस डील हो गया, फैसला हो गया, तब उसके लिए प्रोहिबिशन जारी होगा कि आपने जो फैसला सुनाया है वो लागू ना हो, उसे रोक दो। तो पोस्ट जजमेंट फैसला सुनाने के बाद की बात हो रही है, लेकिन सर्टियोरेरी में ये तब जारी होता है जब जजमेंट पेंडिंग हो, पेंडिंग जजमेंट, पेंडिंग जजमेंट। ठीक है, कि केस आया हुआ है, वो लोअर कोर्ट उस केस को डील तो कर रहा है, उसकी सुनवाई तो कर रहा है, लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो केस, अभी फैसला उसने सुनाया नहीं है, और इसी टाइम पे अगर उसके ऊपर एक रिट का ऑर्डर आ जाता है तो वो ऑर्डर होगा सर्टियोरेरी का, और उसमें बोला जाएगा कि अभी तुमने फैसला नहीं सुनाया है, केस तुम्हारे कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसे किसी ऐसे कोर्ट को ट्रांसफर कर दो जो अधिकृत है वो फैसला ले दे। ठीक है, तो प्रोहिबिशन पोस्ट जजमेंट यूज होता है और सर्टियोरेरी जो होता है पेंडिंग जजमेंट के टाइम या प्री जजमेंट के टाइम यूज होता है। फाइन, तो इन दोनों का शाब्दिक अर्थ एक डिफरेंस हो गया, इन दोनों से क्या असर पड़ता है केस पर ये हो गया, और तीसरा ये कब यूज होता है इस पर डिफरेंस हो गया। तो पहले आपने दो पॉइंट से सिमिलैरिटी बताई और उसके बाद तीन पॉइंट से डिफरेंसेस बता दिए। ठीक है, इसको कंसाइज करके आप 30 वर्ड में भी लिख सकते हैं, पर इन जनरल ये क्वेश्चन जो पूछा गया एक बार वो 4 मार्क्स में पूछा गया। क्लियर विद दैट? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रीलिम्स में देखें तब भी इंपॉर्टेंट होता है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट होता है, इंडिविजुअली 2 मार्क्स के लिए और इवन 125 वर्ड्स के भी आंसर इसमें आ सकते हैं। ठीक, फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक, तो हमने
इन रिट्स के सारे ट्रक्स को देखने के बाद एक तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया, उसके बाद प्रतिषेध और उत्प्रेषण के बीच तुलना करें क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लिया, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी देखते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्वेश्चन होगा इंग्लिश में दैट फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में अलग हो गया, समझाएं, इट शुड बी लाइक समझाएं, एक्सप्लेन व्हाई इज इट कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। We have oftenly read this कि fundamental rights जो हैं उन्हें Magna Carta कहा जाता है। तो ये जो question है ये 4 marks में भी आ सकता है, 2 marks में भी आ सकता है, जैसे कि आपके side में यहाँ पर लिखा हुआ है 4 में भी आ सकता है, 2 marks में भी आ सकता है। तो अगर आप expect करें ज़्यादा तो 4 marks में आ सकता है। तो ऐसा है कि fundamental rights चूँकि सीधा सीधा liberty से related है, फंडामेंटल राइट्स सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स सीधा सीधा उदारवाद की विचारधारा या लिबरलिज्म से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स सीधा सीधा मानव अधिकार से रिलेटेड है, इस वजह से फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। यदि हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, पहली चीज़ तो लोकतंत्र है, और दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि भारत में लिबरलिज्म है, यानी कि उदारवाद है, ठीक है, डेमोक्रेसी है और लिबरलिज्म है, अगर हम कहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी को सिद्ध करता है वो है फंडामेंटल राइट, ठीक, कि दुनिया में जितने भी ऐसे देश हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं या लिबरलिज्म की विचारधारा पर चलते हैं, वहाँ पर नागरिक अधिकारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस वजह से इंडिया में भी फंडामेंटल राइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक नागरिक के लिहाज से देखा जाए तो संविधान में अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ हमारे लिए इंडिविजुअली है तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के बिना हम बाकी जितने भी प्रावधान हैं संविधान के उनका उपयोग बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली हमें उतने इफेक्ट नहीं करते जितने कि फंडामेंटल राइट्स करते। तो कुल मिलाकर के इस स्टेटमेंट में आपको मौलिक अधिकारों के महत्व को बताना है, जो मैंने वहाँ पे इनडायरेक्टली थोड़ी देर पहले कहा था कि फंडामेंटल राइट ड्यूटी और DPSP के महत्व को बताने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको फंडामेंटल राइट की इम्पोर्टेंस को बताना है। फिर जब आप इम्पोर्टेंस बता दें तो फिर आप ये कहें कि इसे मैग्ना कार्टा स्पेसिफिकली ये वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रिटेन में सन 1215 में किंग जॉन ने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने के बाद नागरिकों को जो राइट्स दिए थे सबसे पहली बार, वो जिस डॉक्यूमेंट्स के तहत दिए गए थे उसका नाम मैग्ना कार्टा था। क्या कहा मैंने, ब्रिटेन में किंग जॉन ने, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने सन 1215 में नागरिकों को जो अधिकार दिए सबसे पहली बार, वो जिस डॉक्यूमेंट के तहत दिए गए उस डॉक्यूमेंट का नाम मैग्ना कार्टा था। देखो इस शताब्दी में ही ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र के तहत नागरिक अधिकारों का अस्तित्व आया, और नागरिक अधिकारों का जो अस्तित्व जिस डॉक्यूमेंट के तहत आया ब्रिटेन में, उसका नाम मैग्ना कार्टा था। तो बिल्कुल जो दर्जा मैग्ना कार्टा का ब्रिटेन में है नागरिकों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो डॉक्यूमेंट था, वही दर्जा हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स का है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बस इससे कंपेयर करके आप लिख देंगे कि फंडामेंटल राइट्स को इसीलिए संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन के नागरिकों के लिए मैग्ना कार्टा महत्व रखता था वैसे ही फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट भारत के नागरिकों के लिए रखती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करें, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों को लेके, तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं कि 6 प्रकार के हैं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा आप हर तरह के क्वेश्चंस को जरूर लिख कर रखें, ये ना सोची कर ये तो आएगा तो हम लिख ही लेंगे, मतलब ABCD से भी आपको स्टार्ट करना है, सीधा XYZ पर नहीं कूदना है अभी, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट हो तो फंडामेंटल राइट क्या है, एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट, डिफाइन फंडामेंटल राइट, यहाँ से आप 30 वर्ड्स एक्सप्लेन करें। उसके बाद इसके प्रकारों को पूछा जा सकता है, अगर सिर्फ प्रकार पूछा है तो 2 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में आया तो आर्टिकल के साथ साथ एक एक लाइन में उन प्रकारों को भी बता दीजिए, ठीक है। एक नज़र मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आप लिख नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है।
ठीक, तो ये जो 6 प्रकार के राइड्स हैं, अगर आपको डायरेक्टली पूछा है कि कितने प्रकार के राइड्स हैं, तो आप लिखेंगे 6 प्रकार के राइड्स उल्लेखित हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक, जिनके नाम ये हैं। ये 2 मार्क के लिए। 4 मार्क्स में आता है तो ये इंडिविजुअल राइट्स की जो आर्टिकल की रेंज है वो भी लिख दें आप, और साथ ही साथ एक एक लाइन में इन राइट्स को एक्सप्लेन भी कर दें कि जैसे कि राइट टू इक्वालिटी या समानता का जो अधिकार है, समाज में समानता स्थापित करने के लिए 4 प्रावधान दिए गए, आप ऐसे करके इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, तो आप वहाँ पे लिख देंगे कि भारत के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के नाम लिख दीजिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड हैं, तो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, रिलीजन को बचाए रखने के लिए उनको कुछ विशेष अधिकार इसमें दिए गए, है ना। तो इन 6 तरह की जो राइट्स हैं उनका जो क्रक्स है वो एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है, अगर ये थोड़े ज़्यादा मार्क्स का आता है तो, ठीक है। और मैंने इसी में से कहा था कि खासतौर पर राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, इसके ऊपर आप एक बड़ा नोट तैयार करेंगे 100 वर्ड से 125 वर्ड्स का। किस तरह से करेंगे आप थोड़ी देर पहले अगर मेरा लेक्चर देखेंगे स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको सब करना है। क्लियर विद दैट, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो आपने देख ही लिया, एक छोटा नोट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी आ सकता है, बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूजुअली पूछता नहीं है मेंस, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो देखिए प्रतिषेध उत्प्रेषण वाला क्वेश्चन हो गया, मौलिक अधिकारों की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करें, मतलब यहाँ पर आपको फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिखने हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के कुछ जो फीचर्स हैं वो इवन ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है, तो प्रिलिम्स में भी आपने पढ़ा होगा, उन सभी फीचर्स को पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, इवन 10 मार्क्स का भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। तो एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखिए कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे, किस भाग में, कौन से अनुच्छेदों के बीच में मेंशन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस लिखने के बाद इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं, उसके बाद आप पॉइंट वाइज इस आंसर को लिखेंगे। कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करना है चलिए देखते हैं। विशेषता, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, तो ये चीजें आपने पढ़ी ही होंगी, फिर भी मैं आपको पॉइंट्स दिखा दे रही हूँ। कुछ केवल नागरिकों के लिए जबकि कुछ विदेशियों के लिए भी। हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में से कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, लेकिन बाकी के जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स और एलियंस दोनों के लिए, ठीक है। तो ये विशेषता हो गई। दूसरा, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है, मतलब दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट आर जस्टिशियबल, फाइन। तो ये भी एक विशेषता हो गई। तीसरा, ये न्यायोचित है, यानी जस्टिशियबल इन नेचर है, मतलब अगर इनका हनन होता है, इफ इट ऑल देयर इज अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट, यू कैन मूव टू कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्समेंट, ठीक। उसके बाद उच्चतम न्यायालय इन्हें सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान करता है। भाई हम पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसे संविधान द्वारा गारंटी किया गया है, और संविधान किसके जरिए हमें गारंटी कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के जरिए कर रहा है, ठीक। ये स्थायी नहीं है, मीन्स दे आर नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट, इसका मतलब ये कि समय समय पर हालात के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, और ये परिवर्तन संशोधन के जरिए हो सकता है। पार्लियामेंट में एक संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों की सूची में परिवर्तन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, पर हाँ, मौलिक अधिकार का अस्तित्व जो है वो मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, इसलिए कोई भी ऐसा संशोधन नहीं हो सकता जिसे मौलिक अधिकार को अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए। उसमें चेंजेस हो सकते हैं पर उसे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये स्थायी नहीं है का मतलब यही है कि उसमें जो लिख दिया गया वो पत्थर की लकीर नहीं, वक्त आने पर उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगला है, आपातकाल के दौरान ये निलंबित हो जाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। हम जानते हैं कि जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ ली है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाए जाते हैं तो देश की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। सैन्य शासन और सैन्य बलों के लिए इनमें कुछ प्रतिबंध हैं। हम ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 33 और 34 के तहत कहा गया है कि अगर इंडिया में कभी मार्शल लॉ लग जाए तो उस वक्त, या फिर हमारे जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितने दूसरे मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनके ऊपर उचित युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं मार्शल लॉ के दौरान, और सैन्य सेना में शामिल जो लोग हैं
उनके ऊपर, क्योंकि उनको आम नागरिकों के जैसे आप अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे बात देश की सुरक्षा की है, चाहे वो सैन्य शासन के दौरान की बात हो, चाहे सेना में शामिल लोगों की बात हो। ठीक है, तो आर्टिकल 33 और 34 का आप इसमें उल्लेख करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। इन तीनों ही टॉपिक को अगर आप देखें, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी और डीपीएसपी, उसमें से अगर मैं कोई एक ऐसा टॉपिक बोलूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट। कोई एक ऐसा टॉपिक बोलूं जिसकी विशेषता या फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो भी यही है। ना सिर्फ ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बल्कि एक एक विशेषता को ये 2 मार्कर या 4 मार्कर में भी पूछ सकता है। अगर आपने पास्ट ईयर पेपर देखा होगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये असीमित नहीं है, वाद योग्य है। These are not absolute. Fundamental rights are not absolute. ये question पूछा गया है 4 और 8 marks में, पूछा जा चुका है। और मैंने आपको समझाया था कि इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार जो भारत में नागरिकों को दिए गए हैं, ये बिना किसी शर्तों के दिए गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के साथ नागरिकों को दिए गए हैं, असीमित नहीं है, सीमित है। और सबसे मेन शर्त जो हर एक मौलिक अधिकार के साथ जुड़ी हुई है, वो ये कि ये नागरिकों को तभी तक दिए जाएंगे जब तक देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, जब तक देश में कानून व्यवस्था बनी रहेगी। यदि कोई भी नागरिक इन मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करके शांति व्यवस्था या न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उनसे वो मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। पढ़े हम इस चीज़ को, यही मतलब होता है कि मौलिक अधिकार सीमित नहीं है, ये आपको कुछ भी करने की इजाजत नहीं देते, आपको एक दायरे में बंधना होगा इन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, इसलिए इन्हें एब्सोल्यूट नहीं बोला जाता। पर हाँ, आप इसका अगर ब्रीच होता है यार, आपको इसे इस्तेमाल करने से मना किया जाता है, आपने कुछ बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, लेकिन आपको गिरफ्तार कर लिया गया इस बात पर कि भाई आपने जो बोला उससे हो सकता है दंगे भड़क सकते हैं या कुछ हो सकता है, और आपने कहा कि भाई इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन मानता हूँ मैं, तो आप इस फैसले को जहाँ आपको अपने मौलिक अधिकार को इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, आप इस फैसले को कोर्ट घसीट सकते हो। इसलिए इसे कहा है वाद योग्य जरूर है बट असीमित नहीं। अगर कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि नहीं आपने दुरुपयोग किया था, तब फिर आपको मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रूव हो गया कि आपको गलत तरीके से रोका गया था, तो फिर जिसने भी आपको रोका उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको मेनली बताना है कि असीमित नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेप्शन सब में तो है ही, कि लॉ एंड ऑर्डर और पीस एंड सिक्योरिटी, शांति व्यवस्था न्याय व्यवस्था बने रहने तक मौलिक अधिकार को आप एंजॉय कर सकते हैं, अगर आपने इन्हें बिगाड़ने के लिए इसका दुरुपयोग किया तो ये आपसे छीन लिए जाएंगे, ये तो आपको बताना है ही। साथ ही साथ हर एक मौलिक अधिकार के साथ कोई ना कोई अपवाद या एक्सेप्शन भी जुड़ा हुआ है, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 के तहत, लेकिन गवर्नर, प्रेसिडेंट, सांसद, विधायकों को कुछ कानूनी इम्यूनिटी भी दी गई, थोड़ा फेवरेटिज्म भी किया गया, तो वहाँ पर कुछ असमानताएं हैं, कुछ फेवरेटिज्म है, कुछ बायसनेस है। तो इस तरह से आप बताएंगे कि जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं, हर एक के साथ कोई ना कोई इंडिविजुअल अपवाद या एक्सेप्शन जुड़ा गया है। ठीक है, इस वजह से भी इसे असीमित नहीं है ऐसा कहा जाता है। क्लियर, तो ये पूरा एक 60 वर्ड्स का नोट आप ज़रूर बना करके रखें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मेरा कि ये 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, फाइन, तो ये एक क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। ठीक, और बाकी तो 2-2 मार्कर के लिए पूछ सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए बस यही आया। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक, मतलब क्रिटिकली एनालाइज द फंडामेंटल राइट्स। मैंने हमेशा कहा इम्पॉर्टेंस पूछेगा, फीचर्स पूछेगा और आलोचना पूछेगा। तो ऐसा है कि मौलिक अधिकारों का महत्व तो है, मौलिक अधिकारों का होना ज़रूरी भी था, लेकिन इनके संवैधानिक प्रावधानों की काफ़ी आलोचना भी की गई, इनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के जो तरीके बताए गए, इनका जो मूल इंटेंशन बताया गया, उसकी भी काफ़ी आलोचना हुई है। तो जब आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन दे रहा है, मतलब मैंने जैसे हमेशा आपको समझाया है कि 30%, मतलब अगर आप 100 वर्ड का लिख रहे हैं तो 30 शब्द में वो किस चीज़ की आलोचना करने बोल रहा है उस चीज़ को पहले तो एक्सप्लेन कर दो। जैसे मौलिक अधिकारों की आलोचना करने बोल रहा है तो मौलिक अधिकार क्या हैं, कहाँ उल्लेखित है, क्या महत्व है, इसकी आप पहले डेफिनेशन दे दीजिए 30 शब्दों में, फिर बाकी बचे 70 शब्दों में आप 50 शब्दों में इसकी पूरी आलोचना करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं इसको 10 मार्क्स, अगर मैं इसको 100 वर्ड्स का लेती हूँ मान के चलें,
100 वर्ड्स का अगर ये आंसर आपको लिखना है ये वाला, तो 30 वर्ड्स में आप पहले एक्सप्लेन करें किसको, फंडामेंटल राइट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, मौलिक अधिकार क्या है, कहाँ उल्लेखित है, क्या इंपॉर्टेंस है ये 30 शब्दों में। 50 शब्दों में आपको इसकी आलोचना करना है, यानी इसका क्रिटिसिज्म करना है, ठीक है। और आखिरी में जो 20 शब्द हैं इसमें आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक। अब आलोचना जो आप 50 शब्दों में करेंगे इसी पे मेनली आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे इस आंसर पे, क्योंकि आलोचनात्मक मूल्यांकन है, ठीक है। तो आलोचना के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्प्ले के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बाइलिंगुअल क्लासेस है इसलिए आप देख रहे होंगे कुछ स्लाइड्स हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ एक्सप्लेनेशन हिंदी में, कुछ इंग्लिश में है। मेरे ख्याल से अब आप इस लेवल पे आ चुके होंगे कि अब ये लैंग्वेज की डिफरेंस उतने मायने नहीं रखते होंगे। वैसे भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम दोनों ही लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें, लेकिन ये जब तक कि इंडिविजुअली अलग अलग नहीं होता ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आप अपनी समझ को इतनी डेवलप कर लें कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, थोड़ा बहुत लैंग्वेज से करना पड़े तो चलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझने लायक दोनों ही लैंग्वेज ईजी है, जो हम समझाते हैं उसको ऐसे लैंग्वेज में समझाते हैं कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो अभी की स्लाइड हिंदी में थी, अभी स्लाइड इंग्लिश में, लेकिन मैं समझाऊंगी दोनों में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस आधार पर मौलिक अधिकारों की आलोचना हुई। 50 वो शब्द अगर आपको लिखने हैं तो आप उसको इन पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पैराग्राफ नहीं फॉर्म करना। जब पॉइंट्स में आपके पास आंसर अवेलेबल है तो पॉइंट्स में लिखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सेसिव लिमिटेशंस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने असीमित वाले पॉइंट को समझाते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों पर एक तो यूनिफॉर्मली ये लिमिटेशन लगाया गया है कि जब तक न्याय व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनी रहेगी तभी मिलेगी, और साथ ही साथ हर एक मौलिक अधिकार के साथ कोई ना कोई अपवाद या एक्सेप्शन जुड़ा हुआ है। इसी वजह से कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा अपवाद और एक्सेप्शंस लगाए गए हैं, अधिकारों से ज़्यादा तो ये अपवादों की एक लिस्ट है, ऐसा भी कुछ क्रिटिक्स का कहना है, ठीक है। तो अधिकारों का जो मेन उद्देश्य है कि नागरिकों को लिबरलिज्म का एक उदारवादी विचारधारा का एहसास कराना, वही इसमें धूमिल होता दिखता है, क्योंकि उनको अपवाद ज़्यादा दिखते हैं अधिकारों से, ठीक है। ये पहले पॉइंट का मतलब है। नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, आप देखेंगे कि इसमें जितने भी अधिकार हैं उसमें सोशल राइट्स, उसमें आपको रिलीजियस राइट्स तो मिलेंगे, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक राइट्स यानी सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकारों को स्पेसिफिकली आप देखेंगे ज़्यादा मेंशन नहीं, ऐसा भी कुछ क्रिटिक्स का कहना। क्लैरिटी नहीं है, एम्बिगुअस तरीके से कह दिया गया कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, ऐसा बोल दिया गया। अभी क्या, कहीं ना कहीं थोड़ी और डिटेलिंग करनी चाहिए थी। कुछ चीज़ें जिनके लिए बाद में हमको संविधान के बाहर जाकर संसद के अधिनियमों का सहारा लेना पड़ा, उन चीज़ों को संविधान में ही क्लियर करना चाहिए था। अगर मान लीजिए बोलता है कि बाल अधिकार, बाल मजदूरी पर प्रतिबंध है, ठीक है, उसके अलावा ये बोलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर प्रतिबंध है, तो ये तो बड़ा जनरलाइज सा प्रतिबंध है। किस तरह से प्रतिबंध लागू किया जाएगा, कौन इस कैटेगरी में आएगा, क्या क्या इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, स्पेसिफिकेशन की कमी है। और भी कई इसमें ऐसे अधिकार हैं जिसमें हमको व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, संविधान अपने आप में क्लियर नहीं करता कि वह एक्चुअली क्या बोलना चाहता है। तो क्लैरिटी की कमी, एम्बिग्विटी, ये भी एक क्रिटिसिज्म का आधार है। नो परमानेंसी, हमने एक तरफ विशेषताओं और महत्व में पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो पत्थर की लकीर नहीं, ये कभी भी बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम समझते हैं कि ये एक अच्छी बात है तो इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन है कि ये एक बुरी बात भी हो सकता है। संविधान निर्माताओं ने जो स्वरूप मौलिक अधिकार का सोचा होगा उसमें ज़्यादा चेंजेस करने से स्वरूप ही बदल जाए। हो सकता है सत्ता में जो भी सरकार है वो अगर चाहे तो अपने हिसाब से मौलिक अधिकारों में ढेर सारे परिवर्तन कर दें जिससे जो मेन सोल है फंडामेंटल राइट की लिस्ट का वही बदल जाए। तो इसका परमानेंट ना होना जहाँ एक तरफ अच्छा है तो वहीं दूसरी तरफ इसका अगर गलत उपयोग किया गया तो बुरा पहलू भी है, ठीक। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो सबसे बड़ा विवादास्पद पॉइंट था कि मौलिक अधिकारों को इमरजेंसी के दौरान क्यों सस्पेंड कर दिया जाता है। संविधान ये तर्क देता है कि सबसे ऊपर भारत की सुरक्षा है, सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बाद अधिकार, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में तो सबसे ऊपर अधिकार होने चाहिए, उसके बाद बाकी सब।
लेकिन संविधान कहता है कि देश से ऊपर कुछ नहीं, और देश की सुरक्षा जब खतरे में हो तो अधिकारों का अगर हम इस्तेमाल करने दे दें तो कई लोग अधिकारों का गलत इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को सही नहीं मानते कि सही तरीके से हो पाए तो इवन इमरजेंसी के दौरान भी मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। ठीक है, बस उसके लिए लीगल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसे सस्पेंड कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक, उसके बाद एक्सपेंसिव रेमेडी, मतलब अगर मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है ना, एट ऑल देयर इज अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो उसके लिए जो भी रेमेडियल फीचर्स हैं, जो भी उसके रेमेडियल मेजर्स हैं, वो बड़े ही एक्सपेंसिव हैं, बड़े ही कॉस्टली हैं। मतलब आपको जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक की याचिकाएं लगानी पड़ती है, उसके लिए जितना प्रोसेस है उसमें काफ़ी पैसा ज़ाया होता है और वक्त भी ज़ाया होता है। ठीक, नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी, एक मेन आइडियोलॉजिकल ड्राफ्ट पर मौलिक अधिकार नहीं बने, जिसको जो समझ में आया, जो सही लगा उस हिसाब से बना दिया गया, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है, इन आधारों पर आलोचना की गई है फंडामेंटल राइट्स की। तो अगर आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन आता है तो 30 शब्दों में मौलिक अधिकार के संवैधानिक प्रावधान और डेफिनेशन को लिखेंगे, 50 शब्दों में, मतलब ये इतने 7-8, अगर 7 नहीं याद आते तो कम से कम 5 पॉइंट्स में आपको आलोचना को एक्सप्लेन करना है और एक कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन ये लिखना है कि निसंदेह ही मौलिक अधिकार जो है संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, और इसलिए इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, पर इसके संवैधानिक प्रावधानों में निश्चित ही कुछ कमियाँ हैं जिसे दूर करने का, जिन लूप होल्स को भरने का समय समय पर प्रावधान किया जाना चाहिए। समय समय पर कुछ ऐसी कोशिशें होनी चाहिए कि मौलिक अधिकारों को ज़्यादा अच्छे तरीके से नागरिक अब इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से एक कंक्लूजन आपको इसमें डाल देना है। क्लियर है? ठीक, सो दैट इज इट। ठीक है, ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस जो मौलिक अधिकारों से बनाए जा सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इस पर नोट जरूर तैयार करें। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया। बढ़ते हम आगे, अगला जो पार्ट है वो है DPSP, नीति निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट था, अब आ जाएगा पार्ट 4 DPSP। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लें। पहले मैं इंग्लिश में डिस्प्ले कर रही हूँ, फिर हिंदी में डिस्प्ले करूँगी। मेंशन एनी टू गांधीन सोशलिस्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSP, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ DPSP, ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ DPSP। ठीक है, हिंदी में कोई दो गांधीवादी, समाजवादी, उदार बौद्धिक नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करें, नीति निदेशक तत्व की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करें, मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच तुलना करें, और नीति निदेशक तत्व के संवैधानिक प्रावधानों की जांच करें या परीक्षण करें। ठीक, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। DPSP वैसे भी कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है फंडामेंटल राइट के कंपैरिजन में, तो क्वेश्चंस भी इसमें लिमिटेड ही बनते हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, कोई दो गांधीवादी, समाजवादी, उदार बौद्धिक नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करें। यहाँ पे मैंने 2 मार्क्स के लिए इसको लिखा जरूर है, पर ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नीति निदेशक तत्व है वो कितने प्रकार के हैं, उनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है और उनके वर्गीकरण के एग्जाम्पल दें। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको DPSP के टोटल आर्टिकल की रेंज बताकर उसके 3 क्लासिफिकेशन बताना है, सोशलिस्टिक, गांधियन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, मतलब समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। ठीक है, फिर गांधीवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, उदार बौद्धिक विचारधारा से क्या समझते हैं, और समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, ये बताना है, और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं DPSP के जो इन तीनों में आते हैं वो आपको बताना है। ऐसे करके एक 8 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई दो गांधीयन, कोई दो सोशलिस्टिक, कोई दो उदार बौद्धिक सिद्धांत लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, और इवन 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है। 4 मार्क्स में आपको बोलेगा कि कोई गांधीवादी विचारधारा को एक्सप्लेन की, कोई एक सेक्शन को वो 4 मार्क्स में पूछ सकता है। तो आपको 3-4 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के अंदर आते हैं वो बताना है, वही चीज़ उदार बौद्धिक में आ सकता है। मतलब पूरा क्लासिफिकेशन एट द टिप ऑफ द टंग आपके होना चाहिए, वो 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन बताएं, किसी एक पर नोट लिखें या कोई 2, 3 या 4 पॉइंट्स लिखें।
ठीक है, तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं भाई। पहली बात तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि पार्ट फोर में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी का, ठीक है, ये सही से अगर नहीं दिख रहा है तो 36 से 51 के बीच में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है, आर्टिकल 51A फिर जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। तो जितने भी 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी दिए गए हैं उनको हम इन तीन कैटेगरी में मेनली डिवाइड करते हैं। डीपीएसपी क्या है, तो थोड़ी देर पहले एकदम स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ये कुछ गाइडलाइंस है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो संविधान के भाग चार में दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए मौलिक हैं। सरकारों की जो भी मौलिक जिम्मेदारी देश के प्रति बनती है, द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट टुवर्ड इट्स पीपल इज नोन एज डीपीएसपी। जब भी कोई नीतियां बनाई जाए, जब भी कोई कानून बनाया जाए, तो जिन बातों को ध्यान में रखकर सरकारें कानून या नीतियां बनाती हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को, उन गाइडलाइंस को जिनको ध्यान में रखा जाता है, उन्हीं को नीति निदेशक तत्व कहा जाता है, ठीक है। इसका नेचर यह है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, अनलाइक फंडामेंटल राइट, यानी जैसे मौलिक अधिकार मैंने कहा था कि न्यायोचित होते हैं, ये गैर न्यायोचित, मतलब अगर सरकारें उनका उल्लंघन करके या इनके विपरीत जाकर भी कोई निर्णय लेती हैं तो भी उन्हें न्यायालय में घसीटा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट है, ठीक है, ये चीज हम जानते ही हैं। और इसके तीन हिस्से हैं, गांधीवादी विचारधारा में इसके अंतर्गत वो सारे मौलिक डीपीएसपीज आएंगे जो गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। समाजवादी विचारधारा, वो सारे डीपीएसपीज आएंगे जो समाज में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से लिखे गए। और उदार बौद्धिक, लिबरलिज्म या उदारवाद की विचारधारा को रिफ्लेक्ट करने वाले डीपीएसपी आएंगे, ठीक। तो ये एक सार दिमाग में रखें, उसको किसी भी तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें ढालने की कोशिश करें। एक नज़र मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से ये डीपीएसपी हैं और किस तरह का एक क्लासिफिकेशन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, अगर यहाँ पे चार्ट में नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, समाजवादी 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47, गांधीवादी 40, 43, 43B, 46, 47, 48 और उदार बौद्धिक 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। अगर आपको एक टू मार्कर क्वेश्चन पूछता है कि कोई दो गांधीवादी विचारधारा बताएं, तो आप कोई भी दो आर्टिकल चूज करिए। जैसे आपने आर्टिकल 40 चूज किया जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो आप उसको लिख दीजिए कि आर्टिकल 40 गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है और इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देश दिए गए, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी, जैसे लिबरल इंटेलेक्चुअल कोई दोनों पूछता है, तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आप बता सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 50-51 अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करने की बात की गई है, उसके अलावा शक्तियों के पृथकीकरण की बात की गई है। कुल मिलाकर के आपको ये कैटेगरी याद होना चाहिए, फिर वो जिस भी तरह का प्रिंसिपल पूछे आप आर्टिकल का नंबर लिखिए और सामने उस आर्टिकल को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक। वर्गीकरण करने बोले तो इस तरह से हो सकता है, लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिख नहीं पा रहे होंगे आप, तो डीपीएसपी के ऐसे तीन हिस्से बनाइए, वो सारे आर्टिकल्स लिखिए जो इसके अंतर्गत आते हैं। ये 4 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। या इंडिविजुअली राइट डाउन ऑल द आर्टिकल विच कम्स अंडर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांतों के अंदर आने वाले सभी आर्टिकल्स लिखिए, तो ये 2-2 मार्क्स की भी इंडिविजुअली आ सकते हैं। तीनों को पूछेगा तो 4 मार्क्स पूछ सकता है, ठीक है। कोई एक को एक्सप्लेन करने के लिए वो 4 या 8 में भी दे सकता है, ठीक। तो आप एक बड़ा नोट 8 से 10 मार्क्स का बनाकर रखें और एक एक सेक्शन को आप 30-30 शब्दों में कम से कम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। एक एक आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इसमें अगर इंडिविजुअली मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोलूं तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 38 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 42 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 47 इंपॉर्टेंट है, 43 यहाँ पे, आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, 46 इंपॉर्टेंट है, 47 इंपॉर्टेंट है, 44 इंपॉर्टेंट है, 50 इंपॉर्टेंट है, 51 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके ऊपर आप 30-30 वर्ड्स पे लिख करके रखें, क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नीति निदेशक तत्वों की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करें, मेंशन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीपीएसपी। जो इससे पहले स्लाइड में हमने फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे थे,
वैसे ही पॉइंट वाइज आपको 4 या 8 मार्क्स के लिए डीपीएसपी के फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं, आंसर इसका भी पॉइंट वाइज होगा। चलिए एक दफे देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डीपीएसपी के। ठीक, तो नीति निषेध तत्वों की ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। 6-7 पॉइंट्स में से अगर आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख के 5 पॉइंट्स भी याद रखें तो भी चलेगा। अगर सीधा सीधा 4 मार्कर क्वेश्चन है और आपको 4 पॉइंट्स याद आ जाते हैं तो कोई भी पूर्व भूमिका या निष्कर्ष के बिना आप 4 पॉइंट्स लिख दीजिए। अगर ये 8 मार्कर क्वेश्चन है तो कम से कम 5 पॉइंट्स लिखिए और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन लिख दीजिए। और अगर किसी वजह से ये 10 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है तो इतने पॉइंट्स अगर आप देख सकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स में से अगर आपको 6 भी याद रहते तो भी चलेगा, 5 भी याद रहते तो भी चलेगा। और आप अगर ये 125 वर्ड्स का है तो दोनों ही लिखें, थोड़ा सा 20-25 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन, 20-25 वर्ड्स का कंक्लूजन। ठीक है, तो देखिए, दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 1935 में जो अनुदेशों की लिस्ट थी उसी से मिलता जुलता है। हम कहते हैं कि 1935 से बहुत कुछ हमारा संविधान लिया गया, तो 1935 में भी सरकारों को अपनी योजनाएं बनाते टाइम, निर्णय लेते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, उसकी एक लिस्ट अनुदेशों की थी, उसी से ये चीज मिलती जुलती है। ठीक है, तो पहला फीचर ये फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। मैंने कहा था कि ये लिस्ट जो है गवर्नेंस के लिए, सरकारों के लिए मौलिक है। जैसे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए और नागरिकों के लिए मौलिक है, वैसे डीपीएसपी सरकारों के लिए मौलिक है। नॉन जस्टिशेबल, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप न्यायपालिका जाकर अपने अधिकारों को सुनिश्चित लेस करवा सकते हैं, आप कोर्ट में घसीट सकते हैं उस व्यक्ति को या उस इकाई को जिसने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी ये दोनों गैर न्यायोचित हैं, यानी आप इसके लिए जस्टिस सीक नहीं कर सकते, न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक, एम एट रियलाइजिंग आइडल्स ऑफ जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। प्रस्तावना में जो 7 उद्देश्य लिखे गए उनमें से ये जो उद्देश्य हैं कि समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना, ठीक, उसके अलावा कुछ स्वतंत्रताओं की जो बात प्रस्तावना में की गई है, समाज में समानता स्थापित करना, ठीक, उसके अलावा लोगों के बीच में बंधुत्व यानी ब्रदरहुड स्थापित करना। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डीपीएसपी हैं जिसमें डायरेक्शन मिलते हैं संविधान की तरफ से कि सरकार ये कोशिश करें कि ऐसे प्रावधान आए जिससे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के प्रिंसिपल्स स्थापित हो पाए। तो प्रस्तावना के उद्देश्यों को रियलाइज करने के लिए डीपीएसपी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। जाहिर सी बात है कि सरकारें कोशिश करती, जैसे कि पंचायती राज बनाने की बात की गई, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रखने की बात की गई, तो समाजवादी आपको ऐसे बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे जिससे हमको समझ में आता है कि चाहे वो इकोनॉमिक स्तर पे हो चाहे सामाजिक स्तर पे हो, लोकतंत्र को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। ठीक है, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। कभी भी कोई कानून बनता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो डीपीएसपी के तहत है कि नहीं, डीपीएसपी से इसका कितना लेना देना है, डीपीएसपी में दी गई गाइडलाइंस के तहत ये बना है कि उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, कि उससे प्रेरणा लेता है। ठीक, जब भी सर्वोच्च न्यायालय में किसी कानून की संवैधानिकता को जांचा जाता है तो उसमें भी डीपीएसपी को कंसिडर जरूर किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि विधि की संवैधानिकता को जांचने के लिए ये लिस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब जहाँ पे कभी कंट्री में अगर मिक्स्ड इकोनॉमी हो, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक साथ चले, जहाँ पर सरकार का उद्देश्य प्रोलिटेरिएट का रूल ना हो करके सभी को बराबर लेकर चलना हो, ऐसे उद्देश्यों के साथ भारत में आप देखेंगे कई सारी ऐसी डीपीएसपी है जिसमें कहा जाता है कि हर किसी को बराबर लाकर खड़े करने की कोशिश करें सरकारें। हर किसी को बराबर लाके खड़े करने की इस कोशिश में जो पहले से एलीट वर्ग है उसे नीचे खींचने की कोशिश करने के लिए नहीं कहा गया। जिस तरह की साम्यवादी विचारधारा होती है, साम्यवादी समाजवाद की विचारधारा, वो कहती है कि रूल ऑफ द प्रोलिटेरिएट, मतलब जो एम्प्लॉयर वर्ग है उसे नीचे खींचें और जो एम्प्लॉय वर्ग है उसे ऊपर लाएं। ऐसी विचारधारा हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ विचारधारा है कि लोकतंत्रात्मक तरीके से जो ऊपर है उसे और ऊपर ले जाएं, जो नीचे हैं उन्हें और थोड़ी कोशिश करके ऊपर वालों के बराबर बनाने की कोशिश करें। ठीक, तो इक्विटी के साथ निचले तबके को ऊपर लाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिखेंगे जो कि साम्यवादी विचारधारा के अगेंस्ट
लोकतंत्रात्मक विचारधारा को दिखाते हैं। तो इंडिया में याद रखिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और उसका सीधा सीधा परिचय हमको डीपीएसपी से मिलता है। कई सारे ऐसे प्रावधान है इसमें जिसे पता चलता है कि समाज में एक सकारात्मक भेदभाव करने की बात की गई सरकारों द्वारा कि आप ऐसा कुछ करें जिससे समाज का सभी तबका बराबर आकर खड़ा हो जाए ताकि लोकतंत्र इक्वलिटी और सोशलिज्म स्थापित हो सके। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इसको बिना डिटेल में एक्सप्लेन करें क्योंकि अपने आप में लंबे लंबे सेंटेंसेज हैं, ये सिर्फ आपकी समझ विकसित करने के लिए जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना एज इट इज इन्हीं शब्दों में भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये है कुछ विशेषताएं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की। ठीक, उसके बाद अपना अगला जो क्वेश्चन था वो है तुलना करें, है ना, किनके किनके बीच तुलना करने के लिए कहा गया है, कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स 8 मार्क्स इवन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो तुलना करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब आपको जो मिलती जुलती बातें हैं, जो सिमिलर बातें उनको भी बताना है, डिफरेंसेस भी बनाना है। और ड्रॉ कंपैरिजन बोल रहा है तो सीधा सीधा ये है कि आप एक डिफरेंस टेबल बनाकर भी अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, आप सबसे पहले सिमिलैरिटी से स्टार्ट करेंगे कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ब्रैकेट में आप पार्ट लिखते जाएं, मौलिक अधिकार पार्ट 3 और नीति निरेशक तत्व पार्ट 4, इनका उल्लेख इनका जो उल्लेख है मौलिक सूचियों के अंदर किया गया है, फंडामेंटल लिस्ट के अंदर किया गया है। ठीक, जो कि देश में समाजवाद, लोकतंत्र और उदारवाद को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशलिज्म, लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आप दोनों को पहले स्टार्ट करें कि कुछ मौलिक तत्वों की सूची है, फंडामेंटल एलिमेंट्स की सूची है दोनों ही, जिसका उद्देश्य है डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करना, सोशलिज्म को, इक्वालिटी को सुनिश्चित करना। ठीक है, उसके बाद आप फिर बताएंगे कि डिफरेंसेस क्या है। चाहे तो पार्ट 3 पार्ट 4 को वहां ना लिख करके डिफरेंसेस वाले एक टेबल में लिख दें कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो पार्ट 3 में दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं, जबकि डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 में दिए गए। फंडामेंटल राइट जो है वो देश की, नेशन की जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री के सिटीजन्स के प्रति, जबकि डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन के प्रति। राष्ट्र की जो नैतिक जिम्मेदारी नागरिकों के प्रति है, नेशन की जो जिम्मेदारी सिटीजन्स के प्रति है वो मौलिक अधिकार है, गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी देश के प्रति है वो डीपीएसपी है। ये डिफरेंस है। ठीक, उसके अलावा आप याद रखें फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए मौलिक है, आप ये लिखेंगे ये नागरिकों के लिए मौलिक है, जबकि डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट्स के लिए मौलिक है, सरकारों के लिए मौलिक है, 1.2.3.4। उसके अलावा आप ये लिखेंगे कि फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, मतलब न्यायोचित है, जबकि डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब गैर न्यायोचित है। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो इंडिविजुअल लिबर्टी को स्थापित करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडिविजुअल लिबर्टी को स्थापित करना है, लोगों में उदारवाद की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विचारधारा को पनपने देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। जबकि डीपीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाजवाद को स्थापित करना है, समाजवाद को स्थापित करना। ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात इसमें भी कही गई है, लेकिन डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो गवर्नेंस को सटीक बनाना है, और फंडामेंटल राइट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लोगों को सशक्त बनाना है। आप जो मैंने शब्दों का उपयोग किया वैसा ना करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का मुख्य उद्देश्य है लोगों को सशक्त बनाना और डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है गवर्नेंस को सशक्त बनाना। ठीक है, टू एम्पावर द गवर्नेंस, टू फैसिलिटेट द ईजी गवर्नेंस, टू मेक द गवर्नेंस मोर सिस्टमैटिक, मोर वैलिड, मोर एक्सेप्टेबल, डीपीएसपी को इंक्लूड किया गया है, एंड टू एम्पावर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री,
फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया गया। तो जो भी अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, लोगों के कल्याण के लिए, और डीपीएसपी जो है इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन एज अ होल, ठीक है, नेशन के कल्याण के लिए। तो उद्देश्यों में जो डिफरेंस है आप वो भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स के जरिए आप तुलना कर सकते हैं, जनरली ये 4 मार्क्स का आ सकता है। क्लियर है? चलो उसके बाद जो लास्ट है, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी। ये तो हो गया ना, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। चलो हिंदी में भी बता देती हूँ, हिंदी में मैंने लिखा है कि नीति निषेक तत्वों के संवैधानिक प्रावधानों की जांच करें। अब इसमें जो वर्ड है ना वो एग्जामिन वर्ड या जांच करें या जो परीक्षण करें वाला जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। जांच करें, एग्जामिन करें, डिस्कस करें, इसका मतलब ये है कि आपको एक्सप्लेन कम करना है, आपको उन प्रावधानों की अच्छाइयां और बुराइयां बताना है। इसके जगह पे एक और चीज हो सकती है, आलोचना करें, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है। इसमें एक और चीज हो सकती है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में 30 वर्ड में डीपीएसपी का जो संवैधानिक प्रावधान है उसको बता देना है कि पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, ठीक है। नेशन की जो गवर्नमेंट की जो भी जिम्मेदारी नेशन के प्रति होती है, ये एक इंस्ट्रक्शन की लिस्ट है, एक गाइडलाइंस की लिस्ट है जो दी गई है, और नॉन जस्टिशेबल इन नेचर। ये बातों को आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दीजिए, नॉन जस्टिशेबल है, ये सारी चीजें बता दीजिए कि क्या है डीपीएसपी। फिर उसकी अगर आपको जांच करने बोलता है, उस पर विवेचना करने बोलता है, आलोचना करने बोलता है, तो फिर आप उसमें बताएं कि क्या क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। अगर जांच करने बोलता है या विवेचना करने बोलता है, डिस्कस करने बोलता है, तो आप जैसे 30 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर दिए, तो फिर आगे की जो 50 वर्ड्स हैं उसमें से 25 वर्ड में इसके महत्व को बता दें, इन्हें पॉजिटिव बातें बोलें कि डीपीएसपी से क्या क्या होगा, और उन पॉजिटिव बातों को आप कहाँ से उठाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने जो फीचर्स बताए ना कि इट विल हेल्प टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ, ठीक है, किसी भी कानून की वैधानिकता को जांचने में हेल्प करता है, इस इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से स्थापित होता है। तो फीचर्स में आप देखेंगे 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे डीपीएसपी की इंपॉर्टेंस को या वैलिडिटी को बताया जा रहा है। तो 25 शब्दों में पहले आप डीपीएसपी की तारीफ कर देंगे। अगर आपको सिर्फ इतना भी लिखने बोले कि इसके महत्व को समझाएं, तब भी आप उन फीचर्स के पॉइंट्स को ही उठाएंगे, ठीक है। फिर आपको 25 शब्दों में इसके नेगेटिव पहलुओं को बताना है, इसकी आलोचनाएं करना है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, और आखिरी के जो 20 शब्द है उसमें आपको आंसर को कंक्लूड कर देना कि कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, बुरी चीज को हटाने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी चीज को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जो हम मेनली कहते हैं कि ऑगमेंटेशन ऑफ द पॉजिटिव्स एंड इरेडिकेशन ऑफ द नेगेटिव्स, ठीक है। और इस तरह से आपको कंक्लूड कर देना है। तो अब इसमें संवैधानिक प्रावधान तो आप जानते हैं, बाकी इन 50 वर्ड्स में 25 पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया फीचर्स के जरिए, और जो 25 नेगेटिव चीज है, मतलब आलोचना, डायरेक्टली अगर आपको आलोचना भी करने बोले, आलोचना का मूल्यांकन करने बोले, चाहे एग्जामिन करने बोले, उसमें एक एलिमेंट आएगा आलोचना करना, नेगेटिव हाईलाइट करना। तो इसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है उसको अब हम देख लेते हैं पहले, ठीक। तो आपको ये पॉइंट्स में इसकी आलोचना करना है। सबसे पहले नो लीगल फोर्स, कोई कानूनी बाध्यता नहीं, नो लीगल फोर्स या कोई कानूनी बाध्यता नहीं। दूसरा है इललॉजिकली अरेंज्ड, ठीक है, मतलब ये कि तर्कहीन समायोजन, तर्कहीन तरीके से इसे अरेंज किया गया है। तीसरा है कंजर्वेटिव रूढ़ीवादी, और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि संवैधानिक टकराव की स्थिति भी पैदा होती है इसके जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट या संवैधानिक टकराव। इन 4 आधारों पर मेनली क्रिटिसाइज किया जाता है डीपीएसपी को। कैसे? पहला है नो लीगल फोर्स, तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि भाई ये नॉन जस्टिशिएबल है, कह दिया गया ऐसा करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना चाहिए, कह दिया गया ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए, कह दिया गया कि लोगों को शिक्षा का अधिकार देना चाहिए,
जब तक ये कानून नहीं बने थे तब तक ये चीजें बाध्यकारी थी क्या? ग्राम पंचायत के 73वें 74वें संशोधन के पहले क्या ग्राम पंचायतें बाइंडिंग थी? नहीं। क्या 86 अमेंडमेंट 2002 के पहले शिक्षा का अधिकार बाइंडिंग था? नहीं। जबकि ये सारी चीजें दी तो गई है ना, दी गई है डीपीएसपी में, लेकिन इनको कोई भी लीगल फोर्स नहीं दिया गया, इस वजह से इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, केटी शाह डब्ड द डीपीएसपी एंड कॉल्ड इट पायस सुपरफ्लूटीज, पायस सुपरफ्लूटीज। ठीक है, मतलब आपको किसी के कथन के जरिए भी अगर मुमकिन हो तो इनकी आलोचना करना है, यानी अतिरेक कर्मकांडी। केटी शाह ने कहा कि ये अतिरेक कर्मकांडी हैं। ठीक है, किसने कहा? केटी शाह ने कहा। तो इस तरह से इनका लीगली एनफोर्सिएबल ना होना एक क्रिटिसिज्म का बड़ा आधार बन गया। ठीक, फिर दूसरा है इलॉजिकली अरेंज्ड। तो एन श्रीनिवासन नाम के एक संविधानविद हैं, उनका कहना है कि जो डीपीएसपी की लिस्ट दी गई है 36-51 के बीच में, वो ना तो अच्छी तरीके से वर्गीकृत यानी क्लासिफाई की गई, ना ही सही तरीके से अरेंज की गई, कोई तर्क नहीं है इनके अरेंजमेंट में। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया। कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव में याद रखेंगे आइवर जेनिंग्स, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स का कहना है कि डीपीएसपी के पीछे जो भी आइडियोलॉजी विचारधारा रखी गई ना, वो बहुत ज्यादा 19th century का जो इंग्लैंड था, 19th century का इंग्लैंड, उसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, मतलब उनकी जो राजनीतिक विचारधारा थी, उस पर आधारित डीपीएसपी दिखते हैं हमको। 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड के जो राजनीतिक विचारधारा थी उस पर आधारित, बदलते वक्त के साथ, भारत के बदलते परिवेश के साथ, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं किए गए। तो ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, ना कि मॉडर्न आइडियोलॉजी पर बेस्ड, ऐसा आइवर जेनिंग्स का कहना। ठीक, क्लियर है। और लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कई विद्वानों का ये भी मानना है कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे हमको आपस में ही भारत के अंदर जितनी संवैधानिक इकाइयां हैं उनके बीच में एक टकराव की स्थिति दिखती है, जैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टकराव। अगर मान लीजिए सेंटर डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई कानून पारित करता है और स्टेट उसे लागू करने से मना कर देता है, तो ऐसी स्थितियों के तहत आपने आर्टिकल 365 में इसको पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है अगर वो केंद्र के निर्देशों के विपरीत जाती है। तो कुल मिलाकर कई ऐसी स्थिति आ जाती है कि डीपीएसपी का हवाला देकर अगर सेंटर ने कुछ कहा और स्टेट ने मानने से इनकार कर दिया तो स्टेट सरकार को भंग किया जा सकता है, जिससे सेंटर और स्टेट के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है। साथ ही साथ इसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच, और वैसे स्टेट लेवल पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में भी टकराव की स्थितियां दिखती हैं कई बार। जब कोई विधेयक को लेकर के दोनों के बीच में कंसेंसस नहीं होता, डीपीएसपी को लागू करने से रिलेटेड यही दोनों जो पद हैं ये आपस में टकराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टकराव की स्थितियां दिखती हैं। तो ये चार आधार पर मेनली डीपीएसपी की आलोचना होती। तो अगर आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए कहा गया तो आपको ये मेन पॉइंट्स लिखना है, यही इसके बाद एक कंक्लूजन लिख देना है कि ये कमियों को, लूप होल्स को भरने की कोशिश की जानी चाहिए, प्रैक्टिकली ऐसे कुछ प्रावधान लाने चाहिए जिससे इन कमियों को दूर किया जा सके। निरीक्षण करने बोलता है तो जो 50-50% पॉजिटिव था तो 50% में आप फीचर्स या इंपॉर्टेंस लिख देंगे, 50% इसको शॉर्ट करके लिख देंगे चार पॉइंट्स को, और एक कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक, सो दैट इज इट। इतनी चीजें थी जो डीपीएसपी में हमको डिस्कस करनी थी, इतने तरह के क्वेश्चंस हैं जो इसमें बनने या एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं, आप इस पर नोट्स बना करके रखें। अब हम लास्ट पार्ट में मूव करते हैं, जो एक छोटा सा पार्ट है, और वो है फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मौलिक कर्तव्यों के ऊपर आ सकते हैं। मैं पहले डिस्प्ले कर रही हूं इंग्लिश में, इसके बाद ये हिंदी में है, हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक आध क्वेश्चन शायद आगे पीछे होगा जो इम्पोर्टेंट वाले, वो मैं आपको समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब एक एक करके इनको देखते हैं हम। तो भाई फंडामेंटल ड्यूटी शुरू करने से पहले मैंने जो स्टार्टिंग में बोला उसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या? ये नागरिकों की जो मौलिक जिम्मेदारी देश के प्रति, यानी सिटीजन्स की जो मौलिक जिम्मेदारी नेशन के प्रति बनती है, उन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ये नॉन जस्टिशियबल इन नेचर है, मतलब गैर न्यायोचित है, यानी न्यायालय में इसके लिए आप कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक, मतलब आप इसे मानने के लिए बाध्य नहीं, ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इसे बाद में जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1946 के जरिए। इसे पार्ट 4A आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। इनिशियली 10 ड्यूटीज थी, इसमें बाद में एक ड्यूटी ऐड की गई, तो कुल मिलाकर के 11 ड्यूटीज। और सरदार स्वरण सिंह समिति की सिफारिश पर इन ड्यूटीज को ऐड किया गया और ये ड्यूटीज USSR के संविधान से प्रभावित हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची किस समिति की सिफारिश पर शामिल की गई? तो अभी जितना कुछ मैंने बताया इसमें से कुछ भी एक या दो फैक्ट उठाकर 2 मार्क में पूछ सकता है, तो स्वरण सिंह समिति इसका आंसर होगा। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच तुलना करें, ठीक है, चलो उस पर बाद में आएंगे। किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें? तो ये जो 11 मौलिक कर्तव्य है, प्रीलिम्स में आपने इसे रटा होगा, अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की तो मैंने पूरे आपको कोड्स बताए थे, मैंने आपको तरीके बताए थे कि ऐसे आप याद कर सकते हैं, मैंने क्लाइंट शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। आप कोशिश करें कि 11 ड्यूटीज आपको याद हो, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में, इवन 8 मार्क्स में इन ड्यूटीज को लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 मार्क्स में बोला, तो 2, 4 या 8 में ड्यूटीज लिखने के लिए कही जा सकती हैं, तो आप उन ड्यूटीज को लिख लें। एक बार मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आपकी किताबों में तो सारी ड्यूटीज मेंशन होंगी ही। कोई भी अपने पसंद की जो भी आपको ध्यान में आ रही हैं, 2, 4 या 6 ड्यूटीज आपको अच्छे से कंटेस्ट एट द टिप ऑफ योर टंग होनी चाहिए। ठीक, चलिए उसके अलावा अब इसमें आते हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच तुलना करें। तो 4 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है, ये वैसे ही जैसे इसके पहले आपने DPSP और मौलिक अधिकारों की तुलना की थी। ऐसा है कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, कुछ तो आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से ही तुलना कर सकते हैं। पार्ट 3 पार्ट 4A, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35, ये है आर्टिकल 51A। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि फंडामेंटल राइट जो है वो सिटीजन्स की वो नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन के प्रति, और ये जस्ट रिवर्स है, सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन के प्रति। फंडामेंटल राइट जस्टिशियबल है, यानी कि न्यायोचित है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है वो नॉन जस्टिशियबल है, यानी कि गैर न्यायोचित है। फंडामेंटल राइट जो है वो सिटीजन्स के लिए भी है और एलियंस के लिए भी, कहने का मतलब नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है, कुछ एक को छोड़कर। लेकिन मौलिक कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, मतलब भारत का संविधान विदेशियों से किसी भी तरह के कर्तव्यों की उम्मीद नहीं करता है। ठीक, उसके अलावा फंडामेंटल राइट जहां नागरिकों को इम्पोर्टेंस देते हैं, वेलफेयर ऑफ पीपल, और उनके अंदर लिबरलिज्म का एक सेंस जगाते हैं, लोगों के कल्याण से रिलेटेड हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर उदारवाद और उनके अधिकारों से रिलेटेड एक सेंस पैदा करते हैं, तो वहीं फंडामेंटल ड्यूटी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करते हैं, लोगों में एक उत्तरदायित्व का जो भाव है वो पैदा करते हैं, और ये वेलफेयर ऑफ स्टेट को एम करता है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए है, मतलब ये राज्य के कल्याण के लिए लिखे गए हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो है वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि नागरिकों के कल्याण के लिए लिखे गए। ठीक, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री का एक परिचय देते हैं, लोकतंत्र में होते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सोशलिस्टिक कंट्री का परिचय देते हैं, यानी कि समाजवादी देश। ठीक है, तो समाजवादी देश में फंडामेंटल ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और लोकतंत्रात्मक देश में फंडामेंटल राइट। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो कि डिफरेंस के तौर पर या तुलना के तौर पर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक नोट बना लें आप 4 या 8 मार्क्स में, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आप चाहें तो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, उसके अलावा कर्तव्यों की महत्वपूर्ण विशेषताएं और महत्व,
इनके लिए मैं आपको एक लिस्ट दे देती हूँ कि क्या इनके इम्पोर्टेंस है और क्या इनके फीचर्स है। तो देखो फीचर्स तीनों में पढ़ रहे हैं हम, राइट्स का मैंने कुछ पॉइंट्स बताई, डीपीएसपी का बताई, अब कर्तव्यों के भी कुछ फीचर्स हैं जिन पर हम नज़र डालते हैं। फीचर्स, तो ये तीन चार इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। पहला ये कि मैंने अभी आपको कहा कि जो कर्तव्य हैं ये सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं। दूसरा ये कि ये गैर न्यायोचित है, तो दो फीचर तो यहीं पर आ गए, ठीक है, मतलब न्यायालय में इसको ले जाकर बाध्यकारी नहीं बना सकते। तो गैर न्यायोचित एक फीचर केवल नागरिकों के लिए है। दूसरा फीचर, कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो मॉरल हैं यानी कि नैतिक हैं, तो कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो सिविक हैं यानी कि नागरिक हैं, ठीक है, मतलब अगर आप देखें कि पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए या देश की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए तो ये नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक ड्यूटीज है, ठीक है, लेकिन संविधान की रक्षा करना चाहिए, उसके अलावा विचारधाराएं जिन्होंने हमारे फ्रीडम को प्रेरित किया उसकी रक्षा करना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना चाहिए, ये जो चीज़ें आप सुनते हैं ये नागरिक कर्तव्य, तो कुछ कर्तव्य नैतिक है तो कुछ नागरिक है, ठीक। They refer to values which have been part of Indian tradition, mythology, religions and practices. मतलब ये कोई नए कर्तव्य नहीं है, भारत के कल्चर पीढ़ियों से जो भी हमारी संस्कृति रही, हमारी मान्यताएं रही, जो हम कह सकते हैं कि फोक वेज एंड मोड्स रहे, उनसे ही प्रेरित आपको ज़्यादातर कर्तव्य मिलेंगे, ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स आप फीचर्स में लिख सकते हैं, क्लियर। और अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, अच्छा क्रिटिसिज्म एक है आपका पॉइंट, आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस कम कर देती हूँ, ठीक। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो एक लास्ट क्वेश्चन था आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो जैसे आपने इसके पहले की दोनों की आलोचनाएं देखी, इसके भी कुछ आधारों पर आलोचना की गई है। सबसे पहली बार, नो अरेंजमेंट हैज बीन मेड फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, तो इसका भी वही आधार पर इसको क्रिटिसाइज किया गया जिस आधार पर डीपीएसपी, वो है गैर न्यायोचित नेचर, गैर न्यायोचित, क्योंकि कोई भी लीगल फोर्स नहीं है, इस वजह से नागरिकों को आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप मौलिक कर्तव्यों का पालन करें ही, जो कि एक निंदनीय बात है, ठीक। हाई आइडियल्स, कुछ बातें ऐसी कह दी गई हैं जिसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, ठीक है, उन आदर्शों का आप सम्मान करें जिसने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया था, ये प्रैक्टिकली वेग है, एम्बिगुअस है और काफी ऊंचे आदर्श हैं, ठीक। दी शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन अ सेपरेट चैप्टर, कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज एक इम्पॉर्टेंट भाग होते हैं, ये वेलफेयर ऑफ स्टेट को एम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे एक अलग से भाग में जोड़ना चाहिए था, एक अपेंडेज के तौर पर आर्टिकल 51 में या पार्ट 4 में नहीं जोड़ना चाहिए था, अलग हिस्सा इसे देना चाहिए था, ठीक। सम इम्पोर्टेंट ड्यूटीज आर रिमेन अनइन्यूमरेटेड, अन होना चाहिए, मतलब कुछ और कर्तव्य, जैसे कि स्वरण सिंह समिति ने कहा था कि टैक्स पटाना ही कर्तव्य होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग ही कर्तव्य होना चाहिए, ऐसे कुछ कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया, तो कुछ जरूरी कर्तव्य जो इवन स्वरण सिंह समिति की सिफारिश में शामिल थे उन्हें नहीं जोड़ा गया, और गैर जरूरी कर्तव्यों की लिस्ट बना दी गई, इस आधार पर भी क्रिटिसिज्म होता है। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, ड्यूटीज हैव नॉट बीन लिंक्ड विद राइट्स, कहीं ना कहीं कोई रिलेशन नहीं दिखता है हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, जहां राइट्स और ड्यूटीज टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन दिखते हों, जहां राइट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया वहीं ड्यूटीज को कम दिया गया, ठीक है। तो इन आधारों पर फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रिटिसिज्म होता है, तो अगर आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए कहें या फिर आपको एग्जामिन करने के लिए कहे तो आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर निष्कर्ष लिखना हो तो आप बताएंगे कि निश्चित ही ये कुछ कमियां हैं, लेकिन क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है और दुनिया के सभी लोकतंत्रों में तो मौलिक कर्तव्य होते ही नहीं, हमने मौलिक कर्तव्य शामिल किए लेकिन लोकतंत्रात्मक देश होने की वजह से हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते, ना ही हम उसे उस हद तक लागू कर सकते जिस हद तक समाजवादी देशों में लागू है। तो ध्यान रखिए इस चीज को, आपको थोड़ा डिफेंड भी करना है कंक्लूजन में कि लोकतंत्र होने के बावजूद फंडामेंटल ड्यूटीज का होना अपने आप में भारतीय संविधान की खूबी है, लेकिन हाँ
मौलिक कर्तव्य, कई दफे ऐसा लगता है कि बाध्यकारी होने चाहिए, मौलिक कर्तव्यों की लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, मौलिक कर्तव्यों को कुछ ना कुछ कानूनी सपोर्ट मिलना चाहिए जिससे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश की तरफ एक उत्तरदायित्व की भावना जागे। इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, यानी अच्छाइयां भी बताइए, बुराइयां भी बताइए और उसकी सॉल्यूशन यानी वे फॉरवर्ड भी बताइए और कंक्लूड कर दीजिए। क्लियर है? ठीक, तो फीचर्स हो गए, क्रिटिसिजम्स हो गए, यही सारी चीजें पूछी जा सकती है। बाकी 2-2 मार्कर 4-4 मार्कर में जो आपने फैक्ट्स पढ़े थे वो पूछे जा सकते हैं। ठीक, सो दैट इज इट, इतनी ही चीजें हैं जो राइट्स, ड्यूटीज और DPSP से रिलेटेड मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप आपको समझ में आया हो। इट वॉज अ वेरी बल्की वीडियो, आई नो, छोटा छोटा पार्ट करके आप इसे प्रिपेयर करें। पहले राइट्स पर, फिर DPSP पर, फंडामेंटल ड्यूटीज पर नोट बनाने की कोशिश करें। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, फाइन, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।